गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास स्टूडेंट। टुडे डेट इज 12 जनवरी 2021 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 11। नेम ऑफ द चैप्टर इज ए फ्रेंडली नेबरहुड। सो स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 62। ओके, ओपन पेज नंबर 62। लेट डू लिटिल रिकैप्चुलेशन व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस वीडियो। सो स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियोस आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, दैट इज what is the difference between a neighbor and neighborhood and what are the neighborhood places which make our life more easier and comfortable, like school, market, hospital, park, police station, post office, bank. So these are the neighborhood services which make our life more easier and comfortable. So student, after that we have completed all the book exercises of the chapter. Then question number D, give short answer to the following questions. This also we have completed. Now question number E, answer the following questions. So first two question, write any three ways in which we can help our neighbors. How should you behave with your neighbors? These both the questions we have completed. And one question is left, that is question number 3. How can you help an elderly man living all alone in your neighborhood? So note down the question. Question number 3. Question 1 and 2 we have already completed. Question number 3, how can you help an elderly man living all alone in here? So we have already discussed
that when I am teaching you the chapter, at that time we discuss this topic also, that we should help each other. Okay, so how, let discuss the answer first, and after that I will write the answer on the board. See, if some elderly man living all alone in the neighborhood, all alone mean no one is living with him. इसका मतलब that elderly man, ठीक है, वो अपने घर में अकेले रह रहे हैं, उनके संग और कोई फैमिली मेंबर नहीं है. ठीक है, elderly man कब हम यूज़ करते हैं, जब ऐसे पर्सन जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, 60, 65, 70 या 75, और ऐसे पर्सन है अगर आपके नेबरहुड में, और ही इज़ लिविंग अलोन. अलोन मतलब अकेला रहना, इट मीन्स नो अदर मेंबर ऑफ द फैमिली इज लिविंग विद हिम, मतलब फैमिली का कोई और अदर मेंबर उनके संग लिव नहीं कर रहा है. सो हाउ कैन यू हेल्प दैट एल्डरली मैन. सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट टाइम ऑल्सो दैट ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, बिकॉज बेटा जब एज बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो धीरे धीरे हमारे बॉडी के पार्ट्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं. ठीक है, जितनी एनर्जी आपके पास इस एज में है, छोटे बच्चे तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, पूरा दिन खेलने को बोलो तो पूरा दिन खेलेंगे, बोलेंगे थके भी नहीं. ठीक है, सो बट एज द ड्यू टू द एज, ओल्ड एज में क्या हो जाता है, बॉडी के पार्ट्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं. ठीक है, तो एट दैट टाइम लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी फेस ड्यू टू दैट. होता है कितने लोगों को वॉक करने में दिक्कत होती है, कितने लोगों को बैठने में बहुत दिक्कत होती है, और भी बहुत सी बीमारियां हैं, मे बी दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीजेज ऑल्सो. सो नाउ हाउ कैन यू हेल्प दैट पर्सन, ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. आप उनके लिए मार्केट से सामान ला के देख सकते हो, क्योंकि मे बी वो नहीं जा सकते हैं ड्यू टू ओल्ड एज, तो यू कैन ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. प्रोवाइडिंग मेडिसिन और फूड. ठीक है, आप उनको हॉस्पिटल भी ले जा सकते हो, उनको मेडिसिन उनको प्रोवाइड करा सकते हो, फूड भी दे सकते हो. ठीक है, एवरीवन इन नेबरहुड कैन टेक टर्न्स टू टेक केयर ऑफ हिम. अब देखो, एक नेबरहुड में बहुत से हाउसेज होते हैं. ठीक है, नेबरहुड में क्या बहुत से हाउसेज होते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, टर्न बाई टर्न आप उनकी केयर कर सकते हो. ठीक है, अगर एक ही पर्सन सोचे कि मैं ही करूँ, तो उसके अपने घर की भी तो उसे देखना है. तो नेबरहुड में बहुत से हाउसेज होते हैं, अगर आप लोग टर्न बाई टर्न वन आवर भी इन दिस मैनर ऑल्सो यू कैन हेल्प दैट एल्डरली मैन इन योर नेबरहुड. ओके, सो नोट डाउन द आंसर. We can help help an elderly man living or alone in our neighborhood by first point bringing bringing things from the market bringing things from the
Second point, providing medicines or food. Third point, everyone in neighborhood can take turn to take care of him. Okay, so we can help an elderly man living all alone in our neighborhood by first is bringing things from the market. Second, providing medicines or food. Third point is everyone in a neighborhood can take turns to take care of him. Now, student, do one activity in home with the waste material में जो भी waste materials घर में होते हैं, जो material हमारे use के नहीं होते हैं, ठीक है? Waste materials होते हैं ना घर में, जैसे शूज का डिब्बा है या कोई सामान लाए उसका डिब्बा है, ठीक है? तो यू कैन यूज द वेस्ट मटेरियल ऑफ अ हाउस एंड यू मेक एनी नेबरहुड, देर आर डिफरेंट नेबरहुड सर्विसेज आर गिवन, लाइक स्कूल है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है. सो यू कैन विद द हेल्प ऑफ दैट वेस्ट मटेरियल you make any of the neighborhood services. With the help of that, you can make a school also, or with the that waste material, you can make a hospital, police station, post office. In post office, we drop letter in the letter box. You can make letter box also with the help of a waste material. Okay, so do this activity in your home. Now, open page number 63. Now let's start a new chapter, that is chapter number 12, and name of the chapter is locating places.
Okay. Let's start a new chapter, that is locating places. So in this chapter, student, what are the things you are able to understand? The difference between map and a sketch. Next thing is, what are the four main directions? Another thing is that how a map is drawn. So these three things you will understand in this chapter. What is the difference between map and sketch? Next is, what are the four main directions and how we draw a map? So see, student, in the previous chapter I explained you what is neighborhood. The area which surrounds our house is known as our neighborhood. Okay, so what is neighborhood? The area which surrounds our house is known as neighborhood. Is known as neighborhood. So student, when we move out from our houses, so due to different reason we go out from our houses. For example, as a student you daily come out from your house and you go to the school, or you, maybe your parents, they go to their working place or to buy the vegetables or other eatable items or other items. So due to many reasons, student, we daily go out from our houses. So these places are our neighborhoods, the surroundings. These places are known as neighborhood places. इन्हीं places को हम लोग neighborhood places बोलते हैं, because these are present in our surroundings, like schools हैं for the student, hospitals so that the patient go in the hospital and they get medicines, police stations, post office, bank, park, all these things are present in our neighborhood. So all these things are present in our surroundings. School is very necessary for the education of the student. In a bank you can keep your money also, you can withdraw money from the bank also, even you can keep your precious things in the bank or precious things in the bank. So and from the market you buy things which we need daily, like fresh vegetable, fruits, milk, bread, and for many other things also which you can buy from the market. So all these things we have already discussed in our chapter number 11, and these neighborhood services has make our life very, very easier
मेक आवर लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल। आप जहाँ रह रहे हो बेटा, अगल बगल सारी चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो इससे हम अपने को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं ना। मान लो जहाँ आप रहते हो वहाँ से आपको ऑटो चाहिए, आप 2 किलोमीटर्स आप वॉकिंग जाते हो फिर ऑटो मिलता है, तो हरदम आप परेशान रहते हो, है ना। तो ऐसी तो ये नेबरहुड सर्विसेज क्या है, इन दैट इज़ द रीज़न ये बोला गया है कि नेबरहुड सर्विसेज हमारी लाइफ को इजियर और कंफर्टेबल बनाती हैं। इज इट क्लियर? नाउ सी स्टूडेंट, सी इन पेज नंबर 63 ड्राइंग इज गिवन ऑफ फातिमा नेबरहुड, कैन यू हेल्प टू फाइंड हर वे टू हर स्कूल। से देखो ड्राइंग, मार्केट इज शोन, ओके, पोस्ट ऑफिस इज शोन एंड फातिमा कम आउट फ्रॉम हर हाउस। सो दिस इज अ ड्राइंग इज गिवन ऑफ ए फातिमा नेबरहुड, मतलब फातिमा का ये नेबरहुड है, प्लेसेस हैं। अब जब फातिमा स्कूल के लिए जाती है तो हो सकता है ये प्लेसेस उसके रास्ते में आती हो, मार्केट आती हो, पोस्ट ऑफिस आता हो सकता है उसका स्कूल पोस्ट ऑफिस के जस्ट राइट हैंड या उसके पीछे हो, बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस हो, और मे बी इट इज़ बिहाइंड द मार्केट। ओके, सो व्हाट इज दिस, ये जो पिक्चर इसने दिखाई है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्केच, ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ स्केच ऑफ अ नेबरहुड। सो स्केच क्या होता है बेटा, स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस। व्हाट इज स्केच, स्केच इज ए रफ ड्राइंग, ऑफ ए प्लेस, ठीक है। अब देखो इसे रफ ड्राइंग क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट की कहीं बात ही नहीं हुई है, ठीक है। जैसे इसमें बोला गया है कि ठीक है, आप अपने घर से निकले को सीधे जाओगे, एक पोस्ट ऑफिस आएगा, पोस्ट ऑफिस से लेफ्ट हो जाओगे, फिर राइट पे मार्केट आएगी, वहां से लेफ्ट हो गए तो मे बी आपका स्कूल आ जाएगा। इसमें दैट इज द रीजन, स्केच क्या होता है, कोई भी प्लेस की रफ ड्राइंग होती है, ठीक है। इसमें कहीं भी एग्जैक्ट मेजरमेंट की, मतलब कितना डिस्टेंस है, कितना चलेगी, फिर वो वहां से पोस्ट ऑफिस से कितना डिस्टेंस है, ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। सो व्हाट इज द स्केच, स्केच इज ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस एंड यूज साइंस एंड सिंबल्स इंस्टेड ऑफ पिक्चर, इट डज नॉट शो द एग्जैक्ट मेजरमेंट। यही बात मैंने आपसे बोली, ठीक है। स्केच क्या होता है, कोई भी प्लेस की एक रफ ड्राइंग होती है, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट का कोई डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है। एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं इसमें पता चलता है, इसलिए इसको स्केच बोलते हैं, ठीक है। टू गेट एन एग्जैक्ट साइज एंड लोकेशन, अगर आपको एग्जैक्ट साइज और एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट का पता लगाना है, देन वी नीड ए मैप, ठीक है। क्योंकि मैप आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है मैप में, ठीक है, उसमें डायरेक्शंस के बारे में भी पूरा बोल बताया होता है, तभी तो आपको पता चलता है किसी प्लेस की क्या लोकेशन है, ठीक है। देन ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस एंड हाउ मच डिस्टेंस वी हैव टू कवर टू गो दैट प्लेस। अपने डेस्टिनेशन जगह पे पहुंचना है हमें, तो वो किस डायरेक्शन में है और कितना डिस्टेंस हमको कवर करना है, तो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन द मैप, ठीक है। ये सारी चीज़ों का पता किस में चलता है, मैप में चलता है, स्केच में नहीं। स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, इट डज नॉट शो द एग्जैक्ट मेजरमेंट। एग्जैक्ट मेजरमेंट मीन्स इट डज नॉट टेल यू दैट हाउ मच डिस्टेंस यू हैव टू कवर। ये आपको ये नहीं पता चलता है स्केच देख के कि आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। अब देखो, टू गेट एन एग्जैक्ट साइज एंड लोकेशन वी यूज मैप,
लोकेशन, ठीक है, कोई प्लेस कहाँ, उसकी कहाँ लोकेशन है, किस डायरेक्शन में है, कितना मेजरमेंट है, कितना डिस्टेंस आप कवर करोगे वहाँ जाने के लिए, अगर ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, यू विल गेट दिस थिंग फ्रॉम द मैप. अब देखो, ए मैप इज द ड्राइंग ऑफ ए नेबरहुड, सिटी और कंट्री. इट इज ड्रॉन विद एग्जैक्ट मेजरमेंट. ए मैप डैट शो ए स्मॉलर एरिया. ओके, ए मैप इज ए ड्राइंग. और मैप देखो किसका हो सकता है, मैप इज ए ड्राइंग ऑफ ए नेबरहुड का भी होता है, सिटी का भी हो सकता है, टाउन्स का भी हो सकता है, कंट्री का भी हो सकता है, ठीक है, वर्ल्ड मैप में हो सकता है. वर्ल्ड मैप आपके पास एटलस होगी, आप उसमें ओपन करके देखना, उसमें वर्ल्ड मैप भी होगा, इसमें सारी कंट्रीज की लोकेशन ये सब दिखाई होंगी, ठीक है. सो मैप इज द ड्राइंग ऑफ ए मैप नेबरहुड का भी हो सकता है, जैसे आप जहाँ रह रहे हो, ठीक है, उस नेबरहुड प्लेसेस को दिखाने के लिए मैप कि आपके अगल बगल ये फैसिलिटीज़ है और कितना डिस्टेंस है आपके घर से इन सब फैसिलिटीज़ का. मान लीजिए आपको हॉस्पिटल जाना है, या स्कूल जाना है, या पुलिस स्टेशन जाना है, या कोई और मॉल जाना है, तो वो एग्जैक्ट पूरे आपको लोकेशन भी दिखाएगा, दे आर इन विच डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में है, और उसके साथ साथ आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट भी बताएगा कि आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है. तो मैप नेबरहुड प्लेसेस का भी हो सकता है, टाउन्स का भी हो सकता है, सिटीज का भी हो सकता है, और कंट्री का भी हो सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नए शहर में जाते हो, विजिट करते हो, किसी न्यू शहर में आप जाते हो, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली ही चले गए, आपको प्लेसेस का पता नहीं चल रहा है, तो आप मैप की एक बुक होती है, ठीक है, उस बुक में से आप देखोगे दिल्ली, दिल्ली में आप जितने भी एरिया हैं डैट, और ऐसे मैप को क्या थीमेटिक मैप बोलते हैं, ये तुम लोग 4-5 में पढ़ोगे, लेकिन एक जान लो, जहाँ पूरा पूरा मैप, क्या पूरा मैप तुम्हारा दिल्ली के सारे ईच एंड एवरी पार्ट्स को कवर करेगा वो, ठीक है. दिल्ली में कौन प्लेस कहाँ है, क्या है, कितना डिस्टेंस है, पूरा डिटेल उसमें आपको नॉलेज मिल जाएगी दिल्ली के बारे में, ठीक है. पूरी डिटेल नॉलेज आपको किसके बारे में मिल जाएगी, दिल्ली की. अगर कोई वाराणसी आता है, तो वाराणसी के मैप से भी पूरी डिटेल, वाराणसी में कहाँ क्या है, व्हाट आर द फेमस प्लेसेस, ऑल दैट डिटेल नॉलेज ही विल गेट फ्रॉम द मैप, एंड देयर इज अ बुक ऑफ ए मैप, ठीक है. अगर आज की बात करें, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की अगर बात करें बेटा, तो आज तो क्या है, 21st सेंचुरी चल रही है, नाउ देयर इज ए ऐप, गूगल पे मैप ऐप होती है, ठीक है. आपको कहीं भी जाना, आप किसी भी न्यू सिटी में चले गए, मोबाइल में सर्च करना अभी इतना आसान हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, आप जहाँ पे खड़े हो अपनी लोकेशन डाल दो, यू आर दिस इज योर लोकेशन, और आपको कहाँ जाना है, आपका किस एरिया में आपको जाना है, आप उस एरिया का नाम डाल दो, देन फुल डिटेल विल कम ऑन द स्क्रीन, मोबाइल के स्क्रीन पे पूरा डिटेल आ जाएगा, पूरा डिस्टेंस कितना किलोमीटर जाना है, अगर आप वॉकिंग जाओगे तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, इफ यू आर गोइंग विद द व्हीकल दैट इज टू व्हीलर, हाउ मच टाइम इट विल बाई बस और बाई कार, ईच एंड एवरी डिटेल यू विल गेट इन द गूगल मैप, ठीक है. सो नाउ अ डेज, क्योंकि आज क्या है, साइंस के एडवांसमेंट होने से, ठीक है, आज साइंस और साइंस के डेवलपमेंट से, एडवांसमेंट्स होने से बहुत सी चेंजेस आ गई हैं, ठीक है. नाउ अ डेज मोस्टली पीपल क्या यूज करते हैं, दे आर यूजिंग टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस विद द हेल्प ऑफ द दिस ऐप दैट इज गूगल मैप ऐप जो है, आप उससे कोई भी प्लेस सर्च कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ वेरी इजीयर, ये बहुत इजी है. आप जहाँ भी खड़े हो, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, मान लो आपको कहीं जाना है, आपको कुछ नहीं पता है कि यू हैव टू गो इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मैं मूव करूँ, सो दैट आई रीच द राइट डेस्टिनेशन, अगर मुझे पता ही नहीं है तो कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, आप अपनी लोकेशन डालो एंड राइट द नेम ऑफ दैट प्लेस, एवरी थिंग यू विल सी ऑन द स्क्रीन ऑफ द मोबाइल. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.